सही बात है। जिन्होंने क्रिकेट के बानियों को उन्होंने जो फेंटा चराया है, कहते ना लंबे पाग चला तुमने, उनको सही बात है। बहुत बड़ा हो गया, मैंने तो अभी इसके स्टैप देखे, मैं तो देख के एक बार ऐसे हो गया, मैंने को ये क्या चक्कर चल गया। तो इन्होंने तो इंग्लैंड की टीम को हिला के रख दिया। और यही कहूंगा, डूब के मर जाओ, थोड़ी सी भी शर्म होती ना इनमें, डूब के कब के मर गए होते, अपने बैग उठा के वापिस आ गए होते, क्रिकेट छोड़ दी होती यार इन्होंने। लेकिन क्या भाई, पाकिस्तानी टीम है, छोटी बात नहीं, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट के बानी, डिफेंडिंग चैंपियन, इतनी बड़ी टीम, 12 काउंटियां उनके पास, इतनी बड़ी टीम को इतना। इंग्लैंड जैसी टीम जो है अफगानिस्तान जैसी टीम से हारी है, पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान के साथ है, देखो क्या करते हैं अभी वो। इंग्लैंड जो क्रिकेट के बानी है, जिन्होंने क्रिकेट याद की है, जिनकी काउंटियां खेल खेल के हमारे प्लेयर क्रिकेट सीखे हैं, सही है, उनको वक्त डाल के रखा हुआ, उन्होंने कैसा उन्होंने हराया आज, हमने आज धोया है इंग्लैंड को, मार दिया तो जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, हम कौन सी खेत की मूली है। हाँ जी, ने इंग्लैंड के साथ किया तो क्या पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान से सीखना पड़ेगा। यार अफगानिस्तान जो है वो एक मेरिट पे गेम कर रही है, जहाँ तक बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, मोइन अली, राशिद खान, जोए रूट, लैरी ब्रुक, इतने बड़े प्लेयर, इतना उनको धोया, उनको समझ नहीं आई क्या हुआ है। तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा, पाकिस्तान के साथ अब अल्लाह बेहतर करे, अगर ये इनको कंट्रोल कर लेंगे ठीक है, चाय का कप ही आएगा। पहले मुझे यार कुछ उम्मीदें थी, चलो यार अमेरिका का मैच अफगानिस्तान से तो जीत ही जाएंगे, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है मुझे तो मुश्किल, कभी भी नहीं जीते नजर, दोबारा करना एक दफा यही, ये करते क्या, ये समझ नहीं आ रही क्या है, कितने आए ने अब्दुल्ला शाह साहब, जिन्होंने क्रिकेट के बानियों को उन्होंने जो फेंटा चराया है, कहते ना लंबे पाग चला तुमने, उनको सही बात है, बड़ा उनको खिंच खिंच के लाइक अच्छा भला कुत्ता है, 280 इंग्लैंड जैसी टीम को मारना कोई छोटी बात नहीं, वर्ल्ड चैंपियन क्रिकेट के बानी, डिफेंडिंग चैंपियन, इतनी बड़ी टीम, 12 काउंटियां उनके पास, इतनी बड़ी टीम को इतना, हार जीत वो बात की कंडीशन है, लेकिन जिस तरह उन्होंने टफ कैंडिडेट उनके लिए बने हैं, बड़ी बड़ी बात है। तो जिस तरह के इतने इतने बड़े खिलाड़ियां यार इंग्लैंड की टीम है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान बिल्कुल छोटी सी टीम, क्या हुआ, बस की देखिए उन्होंने अच्छा खेला, हमारे पास इतनी अच्छी टीम भी थी, अच्छी भी थी, थोड़े बहुत फ्लॉसेस थे, लेकिन फिर भी हम 200 तक भी नहीं पहुंच सके। इंडिया के खिलाफ रिकॉर्ड है कि जिम्बाब्वे ने 200 मारा हुआ है, इंडिया को 200 से भी ऊपर मारा हुआ है, तो ये देखिए हमारे ये हालात हैं, ये इधर हम स्टैंड कर रहे हैं कि हम इंडिया को ठीक है 250 मार लेते, लेकिन 200 से भी नीचे आउट, और हमारे क्या कहते हैं 30-40 स्कोर के अंदर 8 विकेट चली गई है, इतने हम गिर चुके हैं, शर्म आनी चाहिए हमें। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि आगे अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान का भी मैच है, तो जिस तरह आज अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को धोया है, तो आगे क्या देख रहे हो आप? देख तो यही रहे हैं, जिस तरह हमने आज धोया है इंग्लैंड को, मार दिया तो जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, हम कौन सी खेत की मूली है। हाँ जी, वो हमें भी इस तरह ही धो सकते हैं, लेकिन जब भी अफगानिस्तान आई है हमारे अंदर फंस गया, लेकिन हम एंड पे जीते हैं इंशाल्लाह, इस दफा हम फंसने के बिना ही जीत जाएंगे, जितनी अब बिस्सी हो चुकी है, अभी भी हार है, तो मैं कहता हूँ भाई, ओ यार भाई मेरे बास हो, कल 191 पे ऑल टीम पाकिस्तान की आउट होगी इंडिया से, आज उसी ग्राउंड में उसी तरह की पिचेस पे अफगानिस्तान जिसको हमने सिखाया उसने इंग्लैंड को दौड़ा ला, वो टीम जो क्रिकेट की बानी है, तो आप क्या कह रहे हो उससे पाकिस्तान जीत जाएगा? सर जी देखिये अफगानिस्तान ने अगर मारा उनके पास, वो डिफेंसिव अप्रोच से नहीं जाते, अच्छा। वो कहते हैं जाके खेलो, वो गुलबाज चेक करें कैसे रनडे लेके गया, वो 780 वो देखा ही नहीं उसने, पीछे मुड़ के किया उसके साथ वाला टुक टुक लगा ना, वो उसने फिर किया भी क्या 48 बोले पता इसको, देखिए वो फूल के कहते हैं मोमेंटम से गए थे, हम अपने प्लेयर्स को, हमने भी फकर जमान को टुक टुक सिखा दी हुई है, जब वो टुक टुक में पड़ा हुआ मिसबाह लग के नक्शे कदम पे चल पड़ा है, अच्छा। तब से वो माशाल्लाह उसकी अभी तक 50 भी नहीं आई, वैसे सारे टुक टुक कर रहे थे, कल सारे कह रहे थे इसलिए क्यों हुआ है, देखिए बाबर जमान ने थोड़ा वो चले गए तो वो खेल गए, बाद में जो आ रहे बॉल आते हैं सीधा ही विकेट में या सीधा ही पैच में, दोबारा करना है एक दफा यही, ये करते क्या है, ये समझ ही नहीं आ रही क्या है, कितने आए ने, अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ, वो उसकी लक नहीं चली, लेकिन उसने जो आते साथ वाली दो को बाउंड्रिया मारी ना, उनको स्टेट अटैक दिया, उनको लग पता गया कि आया, लेकिन वो बाद में उसकी नहीं लक चली, वो आउट हो गया, लेकिन इनके पास सारी बस फिर तुक 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 लग तुक तुक है। इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया और आज जो अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ किया, क्या कहेंगे? यार इंडिया पाकिस्तान का मैच तो लग रहा था जैसे फिक्स है, एकदम से जो है उन्होंने जो है जमीन को आसमान, आसमान को जमीन कर दिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि 150 पे जो है दो हैं और आगे जब 30-40 पे जना पूरी की पूरी टीम उल्टी हो गई है, और आज तो मुझे लग रहा है कि ये बिगेस्ट अपसेट है ये कि अफगानिस्तान ने तो पछाड़ के रख दिया जो है उसमें,
गुरबरेज ने इतनी जबरदस्त बैटिंग किया यार, वो भी रन आउट हो गया, नहीं तो मुझे लगता था कि उसने 100-150 स्कोर तो मार जाना था आज। तो बहुत बड़ा अपसेट है, इंग्लैंड जैसी टीम जो है अफगानिस्तान जैसी टीम से हार रही है, पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान के साथ है, देखो क्या करते हैं अभी वो। तो सर जिस तरह आज अफगानियों ने खुल के खेला यार एक दिलेरी के साथ, देखे ना इंग्लैंड वो टीम है जो क्रिकेट को लेके आया दुनिया में, ठीक है, उसी के साथ का हम तो कहते हैं कि कल का मैच बहुत बड़ा था, लेकिन आज जो अफगानिस्तान ने किया इंग्लैंड के साथ, ये आज का मैच बहुत बड़ा नहीं हो गया यार? वाकई बहुत बड़ा हो गया, मैंने तो अभी इसके स्टैट देखे, मैं तो देख के एक बार ऐसे हो गया, मैंने ये क्या चक्कर चल गया, तो इन्होंने तो इंग्लैंड की टीम को हिला के रख दिया। अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने सिखाया है, कल जो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया और आज जैसे अफगानिस्तान ने इंग्लैंड के साथ किया, तो क्या पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान से सीखना पड़ेगा? यार अफगानिस्तान जो है वो एक मेरिट पे गेम कर रही है, जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कि उनके प्लेयर्स जो है सारे बड़े अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन हमारे जो है आपको पता है कि यारी दोस्तियाँ चल रही हैं, इमामुल हक जो है वो इंजमामुल हक के भतीजे हैं, तो सारे जब रिश्तेदारियाँ हमारे पूरे पाकिस्तान के हर महकमे में जो है रिश्तेदारियाँ जब आएंगी तो फिर यही हाल होंगे, फिर जिनको सिखाया वो भी हमसे आके निकल जाएंगे, तो फिर तो हम जमीन पे ही रह जाएंगे, लोग जो चांद पे पहुंच गए हैं, इंडिया किधर पहुंच गया है, अफगानिस्तान किधर पहुंच गया है, हम जो है जमीन के अंदर ही जाते जा रहे हैं। तो सर आगे अब जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है, तो वहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान को कितना टारगेट दे सकता है? यार अफगानिस्तान मेरे हिसाब से जैसे गुरबेज खेल रहे हैं ना, इन्होंने 350 आराम से दे जाना, 350 से ऊपर ही देंगे, और बाकी पाकिस्तान देख लेना 200 इन्होंने ठोस कर देना, हार जाएगा फिर इन्होंने वही काम, हार जाएगा, हार नहीं, और इन्होंने क्या करना है, इनकी औकात ही नहीं है, जब इन्होंने दोस्ती रिश्तेदारियां निभानी है, किसी अच्छे दोस्ती लगाओ लेकिन किसी टैलेंटेड बंदे के साथ लगाओ जो आपका इज्जत का बाइस बने, ना कि जिल्लत का बाइस बने। तो ये बेहतर नहीं है पाकिस्तान की टीम का अब नाम हम दोस्ती टीम रख दें? हाँ इनको ऐसे ही चित्रोल करो इनके अच्छे तरीके से। सर मैं यही कहूंगा डूब के मर जाओ, थोड़ी सी भी शर्म होती ना इनमें डूब के कब के मर गए होते, अपने बैग उठा के वापिस आ गए होते, क्रिकेट छोड़ दी होती यार इन्होंने, लेकिन क्या भाई पाकिस्तानी टीम है, शर्म पास से नहीं गुजरी हमारे। अब देखो यार अफगानिस्तान जैसी टीम हमें नथ डाल के रख देती है, आप कह रहे हैं हमने उन्हें सिखाया है, बिल्कुल आप पिछले जितने मर्जी मैच उठा के देखें उन्होंने एंड तक आखिरी गेंद तक लड़े हैं वो, जो हम अपनी टीम से कल एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो वन साइडेड होके 22 मैच हो गया यार, 36 स्कोर पे 8 आउट हो गए आपके टॉप के प्लेयर, जिनमें बाबर आजम रिजवान, साउथ शकील, अब्दुल्ला शफीक सारे चले गए, सारे ऐसे तो हम क्या करेंगे यार अफगानिस्तान को देखें, उन्होंने उस टीम को 85 या 84 का टारगेट दिया या इंग्लैंड को, ओ भाई उन्होंने इंडिया को इतना टारगेट दे दिया था, आपने वो मैच नहीं देखा? आज उन्होंने इंग्लैंड जो क्रिकेट के बानी है, जिन्होंने क्रिकेट याद की है, जिनकी काउंटियां खेल खेल के हमारे प्लेयर क्रिकेट सीखे हैं, ऐसे ही है, उनको वक्त डाल के रखा हुआ उन्होंने, कैसा उन्होंने हराया आज, चाह सही है कि नहीं, उनके बॉलिंग देखें, उनकी बैटिंग देखें, उनके स्कीपर की माइंडसेट देखें, उसकी टेक्निक्स देखें सारी, मोहम्मद नबी की बात करें वो खुद भी स्पिन करता है, उनका स्पिनिंग अटैक ही बहुत अलग है यार, उनको पता है एशियन पिचेज है, स्पिन पिचेज है, स्पिन अटैक हमने खिलाना है, और उन्होंने खिलाया, उन्होंने मोइन अली, जोस बटलर, इन जैसे प्लेयर काबू करके रखे हैं और शुरू पे उड़ा के रख दिया उन्होंने। सर अफगानिस्तान के आज वो जो गुरबरेज हैं उन्होंने मेरा गुरबास सॉरी उन्होंने 57 बॉल्स पे 4 छक्के और पता नहीं 5 चौके लगा के 80 रन किए हैं यार, ये ही पिचेज हैं पाकिस्तान के लिए, अभी पाकिस्तान के लिए पिचेज यही है, परफॉर्मेंस यही नहीं है। हाँ यार अफगानिस्तान को देखो अब जैसे उन पे क्राइसिस आए हुए थे, उन्हें अपनी वुमेन टीम भी खत्म करनी पड़ी है, वो क्रिकेट से जितने दिल बर्दाश्त हुए थे, लेकिन फिर भी उनका हौसला देखो यार, जितना हमारी अवाम का हौसला है ना उससे ज्यादा उनका हौसला है, हमारी तो अवाम का हौसला ना हम बर्दाश्त कर लेते हैं, अफगानिस्तानी टीम का ये हौसला है, काश ये हौसला हमारी टीम के अंदर भी होता आज हम कहीं खड़े होते, यार हारो तो हारो इज्जत तो ना उतारो, बिल्कुल पाकिस्तानी टीम को यही कहना चाहूंगा यार कुछ तो इज्जत रख लेते, अफगानियों से ही सीख लो यार, पहले मुझे यार कुछ उम्मीदें थी चलो यार अमेरिका का मैच अफगानिस्तान से तो जीत ही जाएंगे, लेकिन जैसी परफॉर्मेंस नजर आ रही है मुझे तो मुश्किल, कभी भी नहीं जीतते नजर जीत अफगानिस्तान नहीं जीत पाएंगे यार, इंग्लैंड को इतना बड़ा टारगेट दे दिया, हमारी सिर्फ हम बैटिंग पर रिलाय कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में, तो वो भी गल 36 स्कोर पे 8 आउट हो गए हैं, 190 का टारगेट दे रही है इंडिया की टीम को, जिसको अफगानिस्तान ने 300 का अप्रोक्सीमेटली 300 का टारगेट दे दिया, तो हम क्या करेंगे यार, हम बस अपने मैच पूरे करेंगे। अफगानिस्तान को सर आगे आप ऐसे टफ टाइम देता देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल देता देख रहे हैं यार, अफगानिस्तान हमें नहीं हर टीम हमें तो उन्होंने टीम समझना ही नहीं है ना, हम उनके सेट की बात कीजिए, हम अफगानिस्तान के आगे पाकिस्तान की टीम है ही नहीं,
उन्होंने हमें नहीं, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को टफ टाइम देना, जैसे उन्होंने आज इंग्लैंड और उन्हें हराया, पैथेटिक तरीके से हराया, पैथेटिक तरीन होके इंग्लैंड की टीम आ रही है आज। पता लग गया उन्हें कि भाई अफगानिस्तान भी कोई चीज का नाम है, कोई टीम पाकिस्तान का नाम। के लिए जाते जाते कुछ कहना चाहिए यार, मेरा दिल ही नहीं करता इन पे बात करने पे, पाकिस्तान पे अक गया हूँ मैं यार। इस तरह आज अफगानिस्तान ने क्रिकेट खेली है उसको सामने रख के सीखो यार। चलो आपने उन्हें सिखाया ना, उनसे ही कुछ सीख लो, अब आप सीख लो, अब आप सीख लो अफगानिस्तान से। पाकिस्तानी टीम को यही कहूंगा यार, कुछ सीख लो, कुछ हमारी इज्जत रख लो, खुदा का वास्ता। यार एक बात करूं, क्या ये क्रिकेट जो है ये हौसले का नाम नहीं हो चुका? ये दलेरी बहादुरी के साथ खेले तो क्या पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर सकती? बहादुरी के साथ खेलने का बिल्कुल नाम है, और बहादुरी के साथ आपने खेलते रोहित शर्मा को देखा भी है। पाकिस्तान के खिलाफ इतना आला खेला है, अफगानियों के खिलाफ इतना आला खेला है, जिनके पास बॉलिंग इतनी आला है, 133 अफगानिस्तान के खिलाफ की है, 85 हमारे खिलाफ की है 65 गेंदों पे, हमारे मोहम्मद रिजवान साहब ने 69 गेंदों पे 49 स्कोर किया, 3 ओवर उन्होंने अपनी 50 की वजह से गुजार दी और 50 फिर नहीं करके गए।